Adaria's Indian Kitchen. So friends, आज मेरी किचन में एक नया एडिशन है और ये है अगारो का इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर। तो आज हम इसका रिव्यू करेंगे, साथ ही हम इसमें बनाएंगे बहुत ही बढ़िया बढ़िया सा खाना। तो बहुत ही अमेजिंग से डिशेस हम इसमें बनाने वाले हैं और साथ ही हम देखेंगे कि इसका यूज करके आप अलग अलग रेसिपीज को कैसे बनाएंगे। अगारो का ये इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर काफी स्मार्ट सा है। अगर आप देखें तो इसका लुक कुछ इस तरीके का है, ब्लैक कलर में ये इस तरीके का आपको मिलता है। और इसका अगर साइज की हम बात करें तो ये काफी कॉम्पैक्ट है साइज में, लेकिन ये 6 लीटर की लार्ज कैपेसिटी के साथ ये आपको इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर मिलता है। लुक काफी अट्रैक्टिव सा है इसका, और अगर इसे आप अपने काउंटर टॉप पे रखते हैं तो ये बहुत ज्यादा स्पेस भी नहीं लेता है। इसकी जो लिड है, इसका जो हैंडल है, ये कूल टच है, तो इसे बिल्कुल आसानी से आप इसे इस तरीके से पकड़ सकते हैं। इस तरीके का स्टीम रिलीजिंग वॉल्व दिया गया है इसमें, जो कि रिमूवेबल है, तो आप इसे बड़ी आसानी से इसमें से निकाल सकते हैं। और जब भी आपको इसे क्लीन करना हो फिर आप इसे क्लीन कर लें और इस तरीके से आप इसे इसमें बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। लिड अगर हम अंदर से देखें तो स्टेनलेस स्टील का यूज किया गया है, साथ ही अगर आप देखें तो इसमें इस तरीके का एक गैस्केट लगाया गया है जो कि रिमूवेबल है, आप इसे क्लीन करके वापस से इसे लगा भी सकते हैं। साथ ही हमें मिल जाती है इस तरीके की एक पावर केबल, तो ये रिमूवेबल इस तरीके का पावर केबल हमें इसमें दिया गया है, तो जब भी आपको इसे यूज करना है उस टाइम पे आप आराम से इसे लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। इंटेलिजेंट LCD पैनल के साथ आपको ये इसका डिस्प्ले दिया गया है और इसमें 14 तरह के मेन्यू यानी कि 14 प्रोग्राम इसमें इनबिल्ड है, जिससे सिर्फ आप एक टच करके ही अपना जो भी कुकिंग कर रहे हैं उसे बना सकते हैं। जो भी डिश बनानी है इसमें ऑलरेडी वो यहाँ पे प्रोग्रामिंग दिया गया है। इसी के साथ प्रेशर कुकर के भी इसमें एक ऑप्शन दिया गया है जिसमें आप मैन्युअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी डिश के अकॉर्डिंग टाइम और अपनी डिश को बना सकते हैं। इसी के साथ अगर आप देखें तो प्लस और माइनस का इसमें एक बटन दिया गया है, यानी इसमें से आप अपनी डिश के अकॉर्डिंग टाइम को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे आपको एक प्रेशर लेवल को भी मैनेज करने के लिए भी इसमें एक बटन दिया गया है। साथ ही अगर आप चाहें तो अपने खाने को डीले मोड पे भी बना सकते हैं। इसी के साथ इसमें कीप वार्म वाला भी एक ऑप्शन दिया गया है, खाना बनने के बाद आपका जो खाना है वो आप उसे 24 आवर्स तक के लिए उसे आप गर्म भी रख सकते हैं, तो ये भी इसमें ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरीके से जो भी डिश आप बना रहे हैं उसमें एक तो आप टाइम को भी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आपको जो आपने मेन्यू सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ से तो अगर उसका टाइम आपको बढ़ाना है या फिर कम करना है वो भी कर सकते हैं। साथ ही आपको प्रेशर यानी कि हाई या फिर लो पे बनाना है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके की हीटिंग प्लेट इसमें दी गई है जिसकी वजह से जो भी हम कुकिंग करते हैं यानी कि जो हम डिश बना रहे हैं वो हमारी कुक होगी। तो इसकी जो वारंटी है 5 ईयर्स की हमें दी जाती है। इस तरीके का रिमूवेबल हमें पॉट मिल जाता है, अगर आप देखें तो इसकी जो क्वालिटी है काफी अच्छी है, स्टेनलेस स्टील से ये बनाया गया है और इसमें अगर आप देखें तो मार्किंग भी की गई है इस तरीके से, तो काफी अच्छी क्वालिटी का है। साथ ही इस तरीके की स्टेनलेस स्टील की हमें एक बास्केट भी मिल जाती है जिसमें अगर आपको कुछ स्टीम वगैरह करना है या फिर कुछ बॉइलिंग वगैरह के लिए डालना है तो आप इसमें आराम से कर सकते हो। इस तरीके का हैंडल के साथ आपको ये मिल जाता है। इसी के साथ आपको इस तरीके का एक वायर वाला स्टैंड मिल जाता है, इसका यूज आप कर सकते हैं जब आप इसमें एक ही टाइम पे 2 डिशेस बना रहे हैं। यस, आप इस प्रेशर कुकर में एक ही टाइम पे 2 डिशेस बना सकते हैं अपना टाइम सेव करने के लिए, तो उस टाइम पे आप इसे एज अ स्टैंड यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है ये। साथ ही आपको इस तरीके की एक स्पैचुला और साथ ही आपको मिल जाता है इस तरीके की एक सूप वाली लैडर, तो ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इसमें दिया गया है। इसी के साथ आपको इस तरीके का एक मेजरिंग कप मिल जाता है, इस पे अगर देखें तो आप मार्किंग की गई है 160 ml इस पे लिखा हुआ है, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं कुकिंग के टाइम। साथ ही अगर आप देखें तो 2 मिट्स आपको इसमें मिल जाते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, सिलिकॉन के हैं और इस पे अगारो का इस तरीके का मार्किंग भी किया गया है ब्रांड का, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। इसमें आपको इस तरीके का एक एक्स्ट्रा गैस्केट भी दिया गया है, एक तो जो लिड के साथ लगा हुआ था और उसी के साथ ये एक्स्ट्रा भी दिया गया है ताकि आप फ्यूचर में से यूज कर सके। और इसी के साथ हमें इस तरीके का यूजर मैनुअल दिया जाता है जिससे कि आप इसे पढ़कर और भी अच्छे से समझ सकें कि इसका यूज कैसे करना है और भी अच्छे से इसमें डिटेल में आपको जानकारी इसकी दी गई। साइड में इसमें इस तरीके का स्टीम कलेक्टर दिया गया, रिमूवेबल है तो इसे आप निकाल कर आराम से क्लीन कर सकते हैं। प्रेशर कुकर में जब भी हम कुकिंग करते हैं तो उसमें जो भी थोड़ी बहुत स्टीम बनेगी जो भी वो बाहर निकलेगी तो वो भी अगर आप तो इस तरीके से हम इसे लगा लेंगे तो वो बाहर नहीं गिरेगा, इसमें कलेक्ट हो जाएगा, फिर आप इसे क्लीन कर सकते हैं। तो इसकी वजह से जो भी स्टीम का जो थोड़ा बहुत भी पानी होगा वो नीचे नहीं गिरेगा और आप इसे लगा देते हैं तो इस तरीके से इसमें कलेक्ट होगा और फिर आप इसे आराम से निकाल के इसे क्लीन कर सकते हैं और इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप इसे वापस से इसमें लगा सकते हैं। अगारो के इस इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर में आप हेल्दी खाने के साथ साथ आप इसमें जो भी खाना बना रहे हैं उसमें सारे ओरिजिनल फ्लेवर्स आपको मिलते हैं, साथ ही सारे अरोमास के साथ आप इसमें बहुत ही अमेजिंग सी डिशेस को बनाकर आप एंजॉय कर सकते हैं।
अगारो के इस इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर में हमें प्री प्रोग्राम मेन्यू दिया गया है और जस्ट हम इसे एक टच करते ही हमारी जो भी डिश हमें बनानी है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें टाइम और टेम्परेचर बस सिलेक्ट कर देंगे और हमारी डिश आराम से बनती रहेगी। हमें इसे कंटिन्यूसली मॉनिटर करने की भी जरूरत नहीं है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका यूज करके हम अमेजिंग सी रेसिपीज को कैसे बनाते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करें। तो सबसे पहले आज इसमें हम सोयाबीन और बढ़िया सा मटर वाला पुलाव बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसमें लगभग 2 छोटी चम्मच के जितना ऑयल डाल देंगे। तो ऑयल को हमें गरम करना है सबसे पहले अच्छे से। तो यहाँ पर हम करेंगे इसका जो मेन स्विच है उसे ऑन, और इसके बाद जो राइस वाला इसमें ऑप्शन यानी कि मेन्यू दिया गया है उस पर मैंने जस्ट एक क्लिक कर लिया है। और आप देखें तो यहाँ पर टाइम अगर आप देखें तो 12 मिनट दिखा रहा है, लेकिन मुझे बनाना है सोया और मटर वाला पुलाव, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइम को बढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे 15 मिनट के टाइम पर सेट करी, तो प्लस वाला जो यहाँ पर दिया गया था इससे मैंने इसका जो टाइम है वो 12 से लेकर मैंने यहाँ पे 15 मिनट पे कर दिया है। अब जैसे ही हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा कुछ ही सेकंड में, 10 से 15 सेकंड में, और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। साथ ही मैं थोड़े से खड़े मसाले डाल रही हूँ जिसमें मैंने थोड़ी सी छोटी इलायची, लवंग और मैंने 2 तेज पत्ता डाल दिया है और एक मैंने यहाँ पे स्टार फूल डाल दिया है इसमें। इस तरीके से थोड़े से खड़े मसाले मैंने डाले हैं। कुछ सेकंड के लिए हम इसे अच्छे से मिक्स करके सॉटे कर लेंगे, और जैसे ही अच्छे से मसाले सॉटे हो जाएंगे तो फिर हम इसमें राइस डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे मेजरिंग कप जो इसमें दिया गया था उसके हिसाब से 2 कप यहाँ पे मैंने बासमती चावल लिए हैं। अच्छे से पानी से धोकर आधे घंटे के लिए मैंने चावल को सोक कर लिया था और सारा पानी निकाल के मैंने इसमें ये चावल डाल दिए हैं। और आधा कप मैंने यहाँ पे सोया चंक्स लिए हैं जिसे मैंने पानी में 10-15 मिनट के लिए सोक करके रखा था। साथ ही आधा कप हम इसमें मटर भी डाल देंगे, तो मैंने यहाँ पे ये फ्रोजन मटर का इस्तेमाल किया है। इसी के साथ यहाँ पर मैं थोड़ी सी बारीक सी कटी हुई हरी मिर्ची डाल रही हूँ जिसे मैंने थोड़ा सा इस तरीके से लंबा लंबा सा काट लिया है। इसी के साथ अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो नमक मैंने इसमें डाल दिया है यहाँ पे लगभग 1.5 छोटी चम्मच के जितना। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसमें कुछ और मसाले भी डाल सकते हैं अपनी पसंद से, जो भी आपको डालने हो। मैं इसे प्लेन ही रख रही हूँ, साथ ही आप कुछ और वेजिटेबल्स भी इसमें डाल सकते हो। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और 10-15 सेकंड्स के लिए अच्छे से इसे भून लेंगे हम यहाँ पर। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो पानी यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 2.25 कप। तो जिस कप से हमने चावल को मेजर किया था उसी कप से मैंने इसमें 2.25 कप पानी डाला है। 2 कप हमने चावल लिए थे तो 2 कप चावल के हिसाब से पानी, और 1/4 कप जो हमने एक्स्ट्रा पानी डाला है वो हमने इसलिए डाला है क्योंकि हमने सोया चंक्स भी डाले हैं और मटर भी डाले हैं, तो वो भी अच्छे से कुक हो। तो जितने आपने चावल लिए हैं उतना ही आपको इस प्रेशर कुकर में पानी डालना होता है चावल को कुक करने के लिए। तो अच्छे से इसे मिक्स कर देते हैं और जो इसकी लिड है अब हम उसे लगा देंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस टाइम पे प्री हीटिंग दिख रहा है, और जैसे ही इसका टाइम स्टार्ट हो जाएगा फिर ये अच्छे से यहाँ पे आपको कुकिंग का ऑप्शन दिखने लगेगा। तो यहाँ पे 10 से 15 सेकंड्स में ये अच्छे से प्री हीट हो जाता है और फिर आपका कुकिंग वाला टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये हमारे जो बढ़िया सा पुलाव बन रहा है वो 15 मिनट में बिल्कुल परफेक्टली बनकर तैयार होगा, और राइस भी बहुत ही बढ़िया से एकदम खिले खिले बनते हैं इसमें, इस तरीके से अगर आप बनाते हैं। तो इस तरीके से इंडिकेट करता है कि आपके जो राइस हैं वो अच्छे से कुक हो गए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो उसका जो प्रेशर है आप चाहें तो इस तरीके से रिलीज कर सकते हैं इसको जब आपको ओपन करना हो, या फिर आप चाहें तो इसे ऐसे भी रिलीज होने देंगे तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, या फिर इस तरीके से रिलीज कर लें और उसके बाद इसकी लिड को ओपन कर लें। और आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही बढ़िया सा मज़ेदार सा ये पुलाव बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। राइस अगर आप देखें तो बिल्कुल खिले खिले बने हैं सारे अरोमा और एकदम ओरिजिनल फ्लेवर के साथ। आप इस तरीके से बढ़िया सी कुकिंग इसमें आराम से कर सकते हैं। तो चलिए अब इसमें हम केक बेक कर लेंगे। तो केक बेक करने के लिए सबसे पहले हमें इसे प्रीहीट करना होगा। आप चाहें तो डायरेक्ट जो प्रेशर कुक वाला ऑप्शन है उसमें से भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और प्रीहीट कर सकते हैं, या फिर जो इसमें केक वाला ऑप्शन दिया गया उस पर आप इस तरीके से इस पर क्लिक कर लें। और अब हमें इसे प्रीहीट करना होगा, जैसे नॉर्मली हम ओवन में केक को बेक करते हैं उसे प्रीहीट करते हैं, या फिर नॉर्मल कढ़ाई या प्रेशर कुकर में भी जब हम नॉर्मल गैस पे बनाते हैं तो उसे प्रीहीट करते हैं, सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पे केक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और नीचे स्टार्ट वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये प्रीहीट होना स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीहीटिंग लिखा आ रहा है, इसका मतलब यही है कि हमारा जो ये प्रेशर कुकर है इस टाइम पे प्रीहीट हो रहा है। तो इस तरीके से डायरेक्टली आप केक वाले मोड से इसे सिलेक्ट करके प्रीहीट कर लें। प्रीहीट जब तक हमारा ये हो रहा है तब तक हम इसके लिए केक का बैटर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ओरियो बिस्किट का इस्तेमाल करके ये केक बैटर तैयार किया है। इस केक की डिटेल रेसिपी की जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जरूर से उसे चेक करके इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। केक टिन हमारा तैयार हो चुका
चुका है और यहाँ पर ये हमारा प्रेशर कुकर अच्छे से प्रीहीट हो चुका है। तो अब मैंने इसमें इस तरीके से केक टिन को रख दिया है और इसकी जो लिड है अब हम इसे लगा देंगे। टोटल 40 मिनट्स आराम से लग जाते हैं हमारे केक को बेक होने में। अगर आपने छोटी साइज का केक बनाया है तो उसमें थोड़ा सा कम टाइम आपको लग सकता है। तो प्रीहीट ऑलरेडी हो चुका था, जैसे ही अब मैंने इसे स्टार्ट किया तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ये कुकिंग ऑप्शन आ रहा है, यानी हमारा जो केक है वो बेक होना स्टार्ट हो चुका है। तो 40 मिनट्स में हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बेक हो जाएगा। तो इसे हम अच्छे से बेक होने देते हैं। ध्यान रखें, अगर आपने छोटी साइज का केक बनाया है तो उसे बेक होने में कम टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हमारा अच्छे से केक बेक हो चुका है, काफी अच्छे से फूला है आप देख सकते हैं और बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट और एकदम जालीदार ये स्पॉन्ज हमारा बनके तैयार हुआ है। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं और केक स्पॉन्ज को पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। केक स्पॉन्ज ठंडा होने के बाद मैंने इसे चॉकलेट गनाश के साथ अच्छे से गार्निश कर लिया था और इस तरीके से मैंने मेरे केक को डेकोरेट किया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसे कट करके भी, और एकदम सॉफ्ट और एकदम मॉइस्ट केक हमारा बनके तैयार हुआ था। तो चलिए अब यहाँ पर हम इसमें एग को बॉइल करके देख लेते हैं। एग को बॉइल करने के लिए सबसे पहले हम इसमें पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद मैंने इसमें ये वाली बास्केट इसमें रख दिया। आप चाहे तो डायरेक्टली भी बड़े वाले पॉट में एग को बॉइल कर सकते हैं। अब हम इसमें ये अंडे डाल देंगे और साथ ही थोड़ा सा नमक डाल देंगे, और नमक डालने के बाद अब हम इसकी जो लिड है उसे लगा लेंगे। और यहाँ पर इसमें डायरेक्टली जो एग वाला हमें मेन्यू दिया गया है मैंने उसमें सिलेक्ट कर लिया है। तो इसमें 5 मिनट्स का टाइमर दिखा रहा है। अगर आपको सॉफ्ट एग बॉइल चाहिए तो 5 मिनट पे बढ़िया से बॉइल हो जाएंगे। अगर थोड़े से हार्ड बॉइल एग आपको पसंद है तो आप इसका जो टाइम है उसे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस पे स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, तो अगर आप देखें तो प्री हीटिंग दिखा रहा है क्योंकि हमने नॉर्मल पानी डाला था। तो पानी जैसे ही गर्म हो जाएगा 10-15 सेकंड में यहाँ पे कुकिंग ऑप्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा। 10-15 सेकंड्स में ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कुकिंग ऑप्शन स्टार्ट हो गया है, यानी कि एग जो है वो बॉईल होना स्टार्ट हो गए हैं। तो एग हमारे यहाँ पे 7 मिनट्स में अच्छे से बॉईल होकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से यहाँ पे छील लिया है और इस तरीके से मैंने इसे कट करके सर्व किया है। इसी तरीके से इस प्रेशर कुकर में आप और भी चीजों को बॉईल कर सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं, बहुत सारे इसमें आपको मेन्यू मिल जाते हैं, उसके हिसाब से आप इसमें कुकिंग कर सकते हैं। अगारो का ये इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर काफी ज्यादा यूजफुल है, आपकी कुकिंग को बहुत ज्यादा इजी बना देता है ये, साथ ही बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। आप इसे जरूर से परचेस कर सकते हैं। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसकी जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे जरूर से चेक कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इसमें और भी अलग अलग रेसिपीज डिटेल के साथ देखना चाहते हैं तो मुझे आप जरूर से कमेंट करके बताएं कि आप इसमें और कौन सी रेसिपीज को देखना चाहते हैं, तो उसकी जो वीडियो होगी मैं जल्दी से जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।